हेलो दोस्तों, आज हम गीजर के बारे में सीखेंगे। एक गीजर में कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं और कैसे वर्क करते हैं और कैसे चेक करें कि कौन सा पार्ट सही है कौन सा पार्ट सही नहीं है। ये हमारे पास ये डीलर के पास से आया है। डीलर के गीजर गिर गया था तो थोड़ा डैमेज वेमेज हो गया, तो डीलर ने भेजा कि चेक कर लो इसको, कुछ खराब वराब है कि नहीं है। तो डीलर के पास से आया तो उसकी चेकिंग करेंगे पूरी तरह से और आपको भी सिखाएंगे कि कौन सा पार्ट कैसे वर्क करता है कौन सा कैसे नहीं करता है। और इसकी वायरिंग के बारे में सीखेंगे क्योंकि दोस्तों इसकी वायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जैसे खोलते तो वायरिंग का जाला मिलता है, तो इसकी वायरिंग भी सीखेंगे कि कैसे क्या वायरिंग होती है। तो आइए चलिए दोस्तों सीखते हैं गीजर के बारे में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो इसको खोलते अपन। तो इसमें तीन स्क्रू दिए होते हैं, एक दो तीन, तीन स्क्रू खोल लो। ठीक है, तो ये नूब दीजिए, इस नूब को खोलना पड़ता है। तो टेस्टर या कहना की मदद से उसको थोड़ा सा ऊपर करना तो नूब ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें दो स्क्रू दे रखे हैं थर्मोस्टेट खोलने के लिए, तो अपन खोलेंगे नहीं क्योंकि अपने अपन पहले से पार्ट्स पड़े हैं। फिर खोलते अपन। इसमें दोस्तों बस तीन पार्ट्स महत्वपूर्ण होते हैं, तीन पार्ट्स। एक तो ये रॉड, एक ये कटआउट जो कि थर्मोस्टेट रहता है जो भी, मगर एक कटआउट है, और एक टेम्परेचर थर्मोस्टेट। ये टेम्परेचर कम ज़्यादा करने के लिए होता है दोस्तों। ठीक है, तो तीन के तीन ही पार्ट्स अपने निकले। इसमें दो लट्टू लगे रहते हैं, LED बल्ब रहते हैं, एक कटआउट पे काम करता है और दूसरा पावर सप्लाई पे। जैसे पावर सप्लाई देखो तो एक लट्टू, दोनों लट्टू ऑन होते हैं, और जैसे फिर कटआउट जाता है तो दूसरा लट्टू बंद हो जाता है और एक लट्टू चलता रहता है। ठीक है, फिर कटआउट तो यही है दोस्तों, सेम। टेम पे कम ज्यादा करने के लिए कटआउट, थर्मोस्टेट और ये रोड इसके अंदर की। बस ये गीजर में दोस्तों बस ये तीन ही चीजें महत्वपूर्ण होती है जो कि अपने पास आ चुकी है। अब इसके हम टेस्टिंग करेंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आओ इनकी टेस्टिंग करते हैं कि कौन सा पार्ट कैसे खराब बताता है कौन सा कैसा सही बताता है। तो आओ चलो दोस्तों इनकी टेस्टिंग करते हैं, बंद करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन यहाँ थर्मोस्टेट के बारे में चेक करते हैं, ये टेम्परेचर कम ज़्यादा करता है क्योंकि कौन से टेम्परेचर पर सेट करके अपन इसको कटआउट करवा सकते हैं पानी जब कम ज़्यादा गर्म करने के लिए ठंडे गर्म में। तो दोस्तों इस पर भी अपन मल्टीमीटर को बीप की आवाज़ पर रखना है, कंटिन्यूटी मोड पर, जिस पर आवाज़ आती है बजर की उस पर। और तो इस पे दोस्तों कंटिन्यूटी आना चाहिए आपके, इस पे बजर बजना चाहिए दोनों पिनों पे, तो इसका मतलब ये सही है। ठीक है, अब आपको देखना है कि कटआउट ज़्यादा नहीं जाना, जैसे पानी ज़्यादा गर्म हो गया तो कटआउट करेगा या नहीं करेगा पानी को, तो उसके लिए भी चेक कर सकते हैं अपन। इसके लिए ना इसको गर्म करेंगे, पहले इसको कंटिन्यूटी पर लगा लेते अपन। ये बीप की आवाज लग गया, करो भाई करो। देखो दोस्तों ऐसे करना अपन को, जैसे कटआउट मारेगा, ये देखो दोस्तों पानी हिट होता सही, ये बंद हो गया, ये सप्लाई काट देगा। जितना ये पानी गर्म हो गया अपना तो ये सप्लाई कट देगा, और थोड़ी देर बाद ठंड होते से ही वापस ये कंटिन्यूटी चालू कर देगा। अपने दोनों प्रोबों को दोनों पिनों पे लगा रखा है, अभी ठंड होते से वापस कंटिन्यूटी बीप की आवाज़ आ जाएगी, तो इसका मतलब कटआउट टेम्परेचर आते से कटआउट भी कर रहा है बंद भी कर रहा है, मतलब तो इसका मतलब अपना ये थर्मोस्टेट सही है। कंटिन्यूटी आने का मतलब ये पास भी कर रहा है और ये गर्म करने के बाद ये बंद भी कर रहा है, तो इस स्थिति में एक थर्मोस्टेट अपना सही है। अब इसको ठंडा करते हैं, जल्द से जल्द फूंक देंगे। देखो दोस्तों ये चालू हो गया वापस ठंड होते से ही। तो इस तरह इस प्रकार से इस थर्मोस्टेट की अपन चेकिंग करते हैं क्या सही है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये सही है। अब दूसरी बारी आती है इस थर्मोस्टेट की, इसमें तो ओनली बस फेस दिया जाता है, फेस आउट कराया जाता है। लेकिन दोस्तों जो इसमें दो 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 पिन साइड है, दो पिन साइड है, इसमें लाइन और न्यूट्रल दिया जाता है, इसमें 220 वोल्ट दिए जाते हैं। ठीक है, तो इधर से 220 जाते हो, इधर से 220 वोल्ट निकलते हैं, मतलब इधर से फेस आउट कराया तो इधर से फेस आउट होगा, इधर से न्यूट्रल आउट कराया तो इधर से न्यूट्रल आउट होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसकी भी चेकिंग करते अपन। तो इसकी चेकिंग दोस्तों इस प्रकार होगी, जैसे इधर आपने इधर लाइन दी, इस पर लिखा रहता है, देखो बिल्कुल बारीक से आपको दिख रहा हो, तो इस पे एक पे एल लिखा रहा, एल का मतलब लाइन, और दूसरे पे देखो दोस्तों एन लिखा रहा, इसका मतलब न्यूट्रल। तो आज इसको इसकी चेकिंग करना है तो मल्टीमीटर को बजर मोड पे रखना है, आवाज आना चाहिए। ठीक है, इसको लाइन पे रखा, इधर वाले पे और इधर वाले पे चेक करना है, लाइन पे लाइन, तो ऐसी कंटिन्यूटी आना चाहिए, बीप की आवाज आना चाहिए। फिर इधर न्यूट्रल पे रखा और इसको भी न्यूट्रल पर रखा, तो ये बीप की आवाज आना चाहिए। ठीक है,
अभी वो भी दोस्तों क्या करता है, ये अधिक टेम्परेचर पे कटआउट मारता है। जैसे तो मान लो अपन टेम्परेचर करते हैं 50-60 का, तो इसमें 90 का फिक्स रहता है, मतलब 90-95 ऐसा कुछ फिक्स रहता है जब कटआउट मारता है। जो 110 डिग्री मतलब पानी बहुत ही हाई गर्म हो जाता है, तो यार थर्मोस्टेट कटआउट पे नहीं कर रहा है तो फिर जो कटआउट करता है तो इसका पूरी सप्लाई बंद कर देता है। तो इसलिए अपन इसको भी चेक करने के लिए वही अपनाएंगे, इसके जो इन पाइप है इसको भी गर्म करेंगे। ये बीप की आवाज आ रही है। रुको 1 मिनट दोस्तों, आपको एक चीज और बताता हूँ। जैसे कटआउट मारेगा ना तो इसमें एक देखो यहाँ बटन लग रहा है जरा सा, ये बटन का अभी दबाव है तो इसकी क्या कंटिन्यूटी पास हो रही है। ठीक है, ये बटन दबाओ, जैसे आप इसको टेम्परेचर को गर्म करोगे, गर्म होकर कटआउट पे जाएगा ना तो ये बटन क्या ऊपर आ जाता है, तो उसके बाद ये कोई सप्लाई नहीं देता, मतलब फिर गीजर आपका बंद ही रहेगा। तो इसके ये गीजर बंद ही रहेगा मतलब, ठीक है, ये बटन ऊपर आने के बाद तो आपको क्या इसको खोल के इस बटन को दबाना पड़ता है। अभी देखना बिल्कुल, देखो बटन बिल्कुल दबा हुआ है, बिल्कुल भी ऊपर नहीं है। दिखा इस बटन को, दिखा, देखो बटन बिल्कुल दबा हुआ है, बिल्कुल भी ऊपर नहीं। जैसे अभी कटआउट जाएगा तो बटन ऊपर आ जाएगा, देखना अभी आप गौर से, ये अभी कंटिन्यूटी आ रही है। अब टेम्परेचर पे गर्म करता अपन, ये देखो दोस्तों इसने भी कटआउट मार दिया। अब देखो दोस्तों ये बंद हो गया अपनी कंटिन्यूटी, अभी ना लाइन आउट होगी ना न्यूट्रल आउट होगा, दोनों बंद हो गए। अब जो अपना ये बटन था देखो दोस्तों ये ऊपर आ चुका है, ये देख रहा हल्का सा ऊपर आ गया, तो ये कंटिन्यूटी बंद हो गई है। अब ये बटन ऑटोमेटिक नीचे जाएगा ही नहीं दोस्तों, ये बटन नीचे ऑटोमेटिक नहीं जाएगा, कभी कभी चल जाता है और कभी कभी क्या रुक जाता है, मतलब क्या कभी ऑटोमेटिक चल ही जाता है। जैसे कटआउट में बहुत सी बार क्या जाम हो जाता है, नहीं जा पाता, तो इसको आपको दबाना पड़ेगा। देख रहा दोस्तों अभी ऊपर है, अभी कोई कंटिन्यूटी वगैरह नहीं आ रही है, ये कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही। आप इसको ठंडा भी कर लोगे तब भी नहीं आएगी कंटिन्यूटी, क्योंकि बटन ऊपर हो चुका है, तो इस बटन को आपको दबाना पड़ेगा। ये बटन देख रहा, इसको देख रहा, अभी दबाओगे तो आवाज आएगी आपको कट थोड़ी सी, आई क्या दोस्तों कट आवाज आई जरा सी। देखो बटन अभी चल गया, अब फिर इसके अपन कंटिन्यूटी सुन सकते हैं। ये देखो दोस्तों ये चालू हो गया, ये न्यूट्रल से न्यूट्रल फ्री और लाइन से लाइन फ्री। ठीक है दोस्तों, तो इधर 220 दी जाती है, उधर 220 आउट कराई जाती है, बात इस ध्यान रखना है। इधर लाइन दी तो इधर से लाइन आउट होगी, न्यूट्रल दिया तो न्यूट्रल आउट होगा। ठीक है दोस्तों, इसका भी कंप्लीट। अब दोस्तों तीसरा पार्ट था अपना मेन रोड। अगर आपका गीजर करंट मार रहा तो 99% मान लेना कि आपकी रोड खत्म हो चुका था, गीजर में करंट आ रहा है तो आप क्या। ठीक है, तो दोस्तों इसका सिंपल तरीका है बिल्कुल, और कुछ भी नहीं है इसमें। ये हीट सिंक दिया हुआ है करंट मारने के लिए, और आ जाता है इसमें रोड, कभी खराब हो जाती है तो ये बोर्ड में फैला देता है, इससे करंट ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, तो देखो दोस्तों ये दो तार रहते हैं हर रॉड, किसी भी रोड ले आना, हर गीजर में अलग अलग रोड निकलती है। तो सिंपल तरीका है, दो तार रहते हैं रॉड के, एक यो और एक ये, ठीक है, दो तार है तो आपको कंटिन्यूटी मोड पे रखना, वही बजट वाली रेंज पे। तो इसमें कुछ वैल्यू आना चाहिए दोस्तों, कुछ वैल्यू, ठीक है, इस पर रखा, देखना बजट पे कुछ 0-0 भी, दूसरी पिन अपन ने प्रोप कोई रखा इस पर, तो देखो कुछ ये वैल्यू है 31 है ना दोस्तों, कुछ वैल्यू, तो ये वैल्यू आना चाहिए रोड पे, तो आपकी वैल्यू मतलब आपके गीजर की रोड सही है। ठीक है, और अगर एम्पियर मीटर लगा के देखते हो दोस्तों 10 एम्पियर से ज़्यादा आपका गीजर लेना नहीं चाहिए, 10 एम्पियर से कम लेना चाहिए, 8, 9, 7 ये सही है। अगर 11 ले रहा तो आपके रोड में कुछ मिस्टेक है, तो आपका बिल ज़्यादा आएगा, 10 ले रहा तो सही है। और दोस्तों आप इसमें एक चीज़ और चेक कर सकते हो, दोनों पिनों से चेक कर ले, वो बेहतर है, दोनों पिनों को यहाँ रखना प्रोप पे, और उसकी बोर्ड पे चेक कर लेना, ये क्या अर्थिंग वर्थिंग आता है, अर्थ हो गई तो आपकी रोड खत्म है, तो बड़ा कि इसके चेक कर लेना करंट मरंट आ रहा हो तो। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने मेन गीजर के तीनों पार्ट्स चेक हो चुके हैं। गीजर में तीन ही पार्ट्स होते हैं, दो दो थर्मोस्टेट होते हैं और एक रोड होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, अब रही इसकी वायरिंग की बात, तो वायरिंग की एक अलग से वीडियो बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सोनू लवरेज चैनल का नेम है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।